गाइस, स्वागत है आपका द लव इन लाइट 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का जो टॉपिक है वो है करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है उनके, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। उससे पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से सीधा जा कर के मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो। दूसरा, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कीजिएगा, आपको सारी पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड जो भी यू नो डिटेल्स है वो आपको वहाँ से मिल जाएंगी। ओके, एंड अब हम ये देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, सारी चीज़ें हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। लेट्स सी, ओके, फाइव ऑफ कप्स, जस्टिस, टेन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, लिब्रन एनर्जी है यहाँ पर, लिब्रा की एनर्जी है, ठीक है, ये मुझे दिखता है यहाँ पर। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एक्वेरियस एनर्जी भी है, जेमिनी एनर्जीज भी हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जीज दिखती हैं। सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फायर, एरीज एनर्जी है, लियो की एनर्जी भी है, सैजिटेरियस की एनर्जी है, एरीज एनर्जी स्ट्रांग है, एरीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड लियो, सैजिटेरियस, ये एनर्जीज यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। ओके, आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहे हों। सो मैं इनको अच्छे से इस साइड कर देती हूँ, गुप्ता को ऐसे कर देती हूँ। ओके, ऑलराइट, सो यहाँ पर सबसे पहले जो एनर्जी मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर की, बहुत ज़्यादा सैड है, ठीक है, सैड है, उदास है और शो ऐसे कर रहे हैं आपको कि बहुत हैप्पी हैं, लेकिन ये हैप्पी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि दिखाने को तो दुनिया को ये है कि भाई इस इंसान की ज़िंदगी में कोई दुख नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन ये इंसान हकीकत में सैड है, उदास है, परेशान है। ओके, यू नो इस इंसान को ना, मतलब आपके जो पार्टनर हैं उनको खुद को ये समझ में नहीं आ रहा कि उनकी लाइफ में ऐसा हो क्यों रहा है, आखिर वो जो डिसीजंस ले रहे हैं वो गलत गलत डिसीजंस आखिर ले क्यों रहे हैं, ठीक है, उनको खुद को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ आखिर। और बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं और अभी भी ये समझ नहीं पा रहे, मीन्स कि ऐसा लगता है जैसे कि ये करना नहीं चाहते लेकिन इनको जैसे मजबूरी में करना पड़ रहा हो, किसी के दबाव में आ कर के या फिर किसी रीज़न की वजह से इनको जो है ये काम करना पड़ रहा है। क्यों ना, आपके साथ जो भी बिहेव है इनका, जो भी बिहेवियर ये कर रहे हैं, जो भी आपकी आपको बोल रहे हैं या फिर इग्नोर कर रहे हैं, जो भी चल रहा है, एक्चुअली ये खुद से नहीं कर रहे, मीन्स ये करना नहीं चाहते हैं लेकिन इनको करना पड़ रहा है। शो कर रहे हैं बहुत हैप्पी हैं लेकिन ये उदास है, ये हैप्पी नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ज़्यादा हैप्पी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। एंड आई फील कि अगर इन्होंने अपनी तरफ से बात करना बंद किया और अचानक से बात करना बंद किया है तो मुझे ये लगता है कि कोई ना कोई रीज़न है बहुत बड़ा उसके पीछे,
और ये बिल्कुल भी खुश नहीं है ऐसा करके, ये डिसीज़न लेके, लेकिन इनको करना पड़ गया। आपसे बात नहीं हो रही, इन्होंने खुद ने बंद की है, इन्होंने ब्लॉक कर दिया आपको, तो ये खुश नहीं है। इन्होंने आपसे रूडली बिहेव किया तो खुश नहीं है, करना पड़ा लेकिन ये खुश नहीं है। इन्होंने बोल दिया मुझसे आज के बाद बात नहीं करना, लेकिन ये खुश नहीं है। ठीक है, मीन्स कि आपको तो बोल दिया लेकिन ये खुश नहीं है, मतलब कि इन्होंने जो भी डिसीज़न लिया, जो कुछ भी इन्होंने डिसाइड किया वो कर तो दिया, लेकिन ये हैप्पी नहीं है उसके साथ, उस डिसीज़न के साथ। वो डिसीज़न कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है इनको, एक दिल पे बोझ की तरह है ये, मुझे यहाँ पर दिखता है, जिसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा सैड है, परेशान है और इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा है। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है, इमोशनली ये जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। ऑलराइट, एंड उसका एक और कारण है कि सपने बहुत सारे, ड्रीम्स बहुत सारे देखे हैं आपके साथ, सपने बहुत सारे सजाए हैं, जैसे कपल्स के बीच में होता ही है। ठीक है, सपने देखना, एक दूसरे को फील करवाना, एक दूसरे को बोलना कि आगे हमारी लाइफ ऐसी रहेगी, आगे हम ऐसे इंजॉय करेंगे, ये होगा वो होगा, देन बहुत सारी प्लानिंग्स की थी आप दोनों ने, और उसमें से अभी तक तो कुछ भी पूरा नहीं हुआ, और ऐसा इनको करना पड़ गया, ऐसा इनको स्टेप लेना पड़ गया, इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है। मीन्स कि जितना आप इनसे प्यार करते हो, जितने आपने इनके साथ सपने देखे हैं फ्यूचर के, उतने ही कहीं ना कहीं ये भी आपसे प्यार करते हो, और इन्होंने भी उन सपनों को उतना इन्जॉय किया, और कहीं ना कहीं इनके भी सपने रहे हैं, लेकिन इनको भी नहीं पता था कि ऐसा करना पड़ेगा, और ऐसा कर दिया तो अब इनको भी काफ़ी हर्ट हो रहा है, बिकॉज़ इनके भी कहीं ना कहीं सपने टूटे हैं, बिकॉज़ इनके भी कहीं ना कहीं सपने पूरे नहीं हो पाए जो सपने ये रखते थे आपको लेकर के। ओके, लेट्स सी, मैं क्लियर करूँगी कि ऐसी क्या इनकी मजबूरी नहीं है जिसकी वजह से इनको ये स्टेप न चाहते हुए भी लेना पड़ा, आपसे दूर होना पड़ा, या आपको ब्लॉक करना पड़ा, या फिर आपसे इस तरीके से रूडली बिहेव करना पड़ा। क्यों कर रहे हैं ये ऐसा, या फिर क्यों इन्होंने किया ऐसा, लेट्स सी। द लवर्स टावर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, आई फील हायरोफेंट। आई फील कि शायद इस रिश्ते को लेकर के फ्यूचर, इस रिश्ते का जो फ्यूचर है ना, कि आगे क्या होने वाला, उसको लेकर के कोई क्लियरिटी नहीं थी आप दोनों के बीच में, आई थिंक, ना आपकी तरफ से, ना उनकी तरफ से, ना आप दोनों के बीच में, आप दोनों की तरफ से। ठीक है, मतलब कि फ्यूचर को लेकर के कोई क्लियरिटी नहीं थी कि आखिर आगे फ्यूचर में होना क्या है, ये रिश्ता कहाँ तक जा पाएगा, कोई क्लियरिटी नहीं थी। इसके चलते आपके पार्टनर ने ये फैसला लिया। ठीक है, कुछ की मुझे फैमिली भी दिखती है, क्योंकि यहाँ पर फैमिली भी है, बिकॉज़ ऐसा दिखता है जैसे कि फैमिली की वजह से जो है इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं बन पा रहा था, और आपका तो नहीं, लेकिन आपके पार्टनर ने डिसाइड किया कि ज़्यादा अटैचमेंट ठीक नहीं है, ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ना ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज आगे फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। इनको ऐसा फील हुआ कि हो सकता है आज इतना ज़्यादा हम क्लोज हैं एक दूसरे के, इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है, अगर यही अटैचमेंट, यही इस तरीके से हम क्लोज रहे और ऐसे ही फील करते रहे एक दूसरे के लिए, तो ये फीलिंग्स कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हो जाएगी, और आगे जब दूर होने की बात आएगी, अलग होने की बात आएगी, तो कहीं ना कहीं इतना हर्ट कर सकती है कि शायद प्यार पे से ही भरोसा उठ जाए, शायद फिर कभी दूसरे किसी से प्यार ही ना हो सके। ठीक है, मीन्स कि प्यार, देखो प्यार की बात यहाँ पर ये कि हम दूसरे को उससे भी प्यार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है कि हमें पास्ट हमारा हील होना चाहिए। ठीक है, हम पास से पूरी तरीके से निकल के ही हम दूसरे के लिए प्यार फील कर सकते हैं, या फिर वो प्यार उसको दे सकते हैं।
राइट तो इनको इसी बात का डर लगता है कहीं ये भी और कहीं आप भी ऐसा ना हो जाए। मान लो जैसे कि आपकी फैमिली भी है, हो सकता है आप मैरिड हो, ठीक है, और ये अनमैरिड हो, या फिर ये मैरिड हो आप अनमैरिड हो, ये भी सिचुएशन आपकी हो सकती है। मींस कि ये इनका ये है कि अगर आप मैरिड हो तो कि आप जो है जिनके साथ आपकी शादी हुई शायद आप जो है उनके साथ वो फील ना कर पाओ जो इनके साथ करते हो, एंड कहीं आप दोनों के रिश्ता ना ख़राब हो जाए, और आगे जा कर के फिर इनकी भी शादी होनी है किसी से तो कैसे उस चीज़ को हैंडल करेंगे। दूसरी चीज़ अगर आप अनमैरिड हो और ये भी अनमैरिड है, दोनों ही अनमैरिड हो, देन आगे अगर नहीं बन पाता है आपका किसी भी रीज़न की वजह से, फैमिली या किसी भी रीज़न की वजह से, तो फिर अगर कोई और पर्सन भी लाइफ में आएगा तो वो वाला प्यार, वो वाली फीलिंग उसके लिए कैसे हो पाएगी, वो पूरी तरीके से उसको नहीं दे पाएंगे। एंड जब वो चीज़ नहीं होगी तो फिर जो हमारी लाइफ है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी। सो काफ़ी प्रैक्टिकली, ठीक है, अगेन यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी बहुत समझदारी से और बहुत प्रैक्टिकली इन्होंने ये डिसाइड किया कि इनको जो है अभी ये ज़्यादा नज़दीकियाँ कम करनी पड़ेगी, बिकॉज़ अगर इस रिश्ते को लेकर के फ्यूचर की कोई श्योरिटी होती तो डेफिनेटली ये जो है कोशिश करते इस रिश्ते के लिए, लेकिन इनको कोई फ्यूचर नहीं दिखा तो इनको लगा कि ज़्यादा अटैचमेंट ठीक नहीं है, ये अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर देगी, इसके चलते इन्होंने जो है ये डिसीज़न लिया। बट ये डिसीज़न इन्होंने जो लिया ये इनके खुद के ऊपर भी भारी पड़ रहा है, मीन्स कि इतना इजी नहीं हो रहा आपसे दूर रह पाना, इतना इजी नहीं है आपसे दूरियां बनाना, यू नो आपसे दूर रह पाना, बिना बात किए रह पाना इनके लिए भी ईजी नहीं है, ये भी उस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये भी तकलीफ़ में है, ऐसा नहीं है कि बहुत हैप्पी हैं ये, ठीक है। डिसीज़न तो ले लिया लेकिन उसके बावजूद भी कंफ्यूज हैं अभी भी ये सोचते हैं कि क्या मैंने ठीक किया या मैंने सही किया या गलत किया, मैंने क्या मतलब अभी भी कंफ्यूजन में है। डिसीज़न ले लिया लेकिन उसके बावजूद भी कंफ्यूजन में है कि मैंने ठीक किया भी है या नहीं किया है, बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं दूसरे कामों में अपना ध्यान लगाऊँ, लेकिन नहीं, वो काम करते टाइम भी आपके ही थॉट्स आने हैं, वो पल जो आपके साथ इन्होंने बिताए थे, वो सपने जो आपके साथ इन्होंने सजाए थे, वो आप दोनों की बातें, वो आपका यू नो आपकी स्माइल भी इन्हें बहुत पसंद है, ठीक है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको बार बार अट्रैक्ट करती हैं आपकी तरफ, बार बार वो चीज़ें याद आती हैं इनको, जिसकी वजह से इनका दिल दुखता है, बहुत ज़्यादा दिल दुखता है, तकलीफ़ होती है इनको, वो दर्द वो तकलीफ़ महसूस होती है और अभी भी कंफ्यूज हैं कि मैंने ये ठीक किया या नहीं किया, इसको लेकर के कोई अभी भी मतलब डाउट्स ही चल रहे हैं इनके दिमाग में, मतलब कि ये भी नहीं है कि मैंने जो डिसीज़न ले लिया वो बिल्कुल परफेक्ट है, अभी उसके ऊपर भी डाउट है कि नहीं मैंने कहीं ना कहीं गलत डिसीज़न ले लिया है। इनको ऐसा फील होता है कभी कभी जब इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आती है तो इनको फील होता है कि शायद मैंने डिसीज़न गलत ले लिया। इनका ये भी आता है दिमाग में कि शायद जो है शायद कोशिश करते थोड़ी सी तो ठीक हो जाता, इतना जल्दी इतना फास्ट डिसीज़न आई थिंक गलत ले लिया, इनको ऐसा लगता है, ये सोचते हैं कि मैंने शायद गलती कर दी, जल्दबाजी दिखा दी डिसीज़न लेने में, थोड़ा रुकना चाहिए था, थोड़ा सोचना चाहिए था, थोड़ा समझना चाहिए था, तो अब ये फील हो रहा है इनको, ठीक है, डिसीज़न लेने के बाद में भी ये फील हो रहा है, तो काफ़ी मतलब परेशान है, डिस्टर्ब है, कंफ्यूज है, जो किया उसका भी भरोसा नहीं है कि सही किया है नहीं किया, सो डाउट्स हैं बहुत सारे, ठीक है। लेट्स सी ये चाहते क्या हैं, इनकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं, मतलब कि ट्रू जो इंटेंशन है इनकी, कि ये मतलब कि ठीक है प्रॉब्लम एक साइड है लेकिन ये चाहते क्या है दिल से आपके लिए, एक टाइम के लिए भूल जाओ कि प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, अब एक टाइम के लिए प्रॉब्लम्स को भूल करके देखते हैं कि ये क्या चाहते हैं, अगर ये प्रॉब्लम्स ना होती तो ये क्या चाहते, ठीक है। ओके द फूल द एम्परर द मून हर्मिट
पेज ऑफ कप्स, बॉटम द डेक से एट ऑफ वांड्स. ओके, सो ये चाहते ये हैं, मतलब कि ये जानना चाहते हैं कि जो ये आप दोनों का रिश्ता है वो किस तरीके का है. ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम्स ना होती और ये प्रॉब्लम्स हैं उसके बाद में भी ये क्या चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि ये रिश्ता है किस टाइप का. मीन्स कि आप दोनों मिले तो क्यों मिले, और अब आप दोनों अलग हो रहे हो तो क्यों हो रहे हो. इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, इसका आंसर इनको चाहिए. मतलब पहले इन्होंने प्रैक्टिकली सोचा इस बारे में, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल और यहाँ पर एम्परर दोनों एनर्जीज बहुत प्रैक्टिकल आई हैं. ठीक है, देखो पहले इन्होंने प्रैक्टिकली सोचा कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, और फिर इन्होंने सोचा कि अगर ऐसा है तो फिर हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, शायद प्यार पे से भरोसा उठ जाए अगर आगे, और फिर हम शायद अगर किसी और के भी साथ अगर ज़िंदगी बितानी हो तो शायद हम उधर 100% नहीं दे पाएंगे. तो इसके चलते इन्होंने क्या किया कि प्रैक्टिकली एक डिसीज़न लिया और इस तरीके से आपके साथ बिहेव किया ताकि आप जो है संभल जाओ. ठीक है, और ये खुद भी संभल जाएँ. लेकिन अब ये इनकी चाहत क्या रही है इसके पीछे भी, कि ये चाहते हैं प्रैक्टिकली अगेन ये फिर सोच रहे हैं कि आखिर ये रिश्ता हमें क्यों मिला, आखिर हम इस रिश्ते में आए क्यों, हम एक दूसरे से मिले क्यों, और मिले तो फिर दूर क्यों हुए, और हमारा मिलना क्यों था, क्यों इतनी भी टाइम के लिए अट्रैक्शन हुई, क्यों इतने टाइम के लिए भी हम दोनों के बीच में कुछ इमोशनली क्रिएट हुआ, क्यों वाई. तो उसके आंसर्स जो हैं ये ढूंढना चाहते हैं. ओके, ये जानना चाहते हैं कि क्यों यूनिवर्स ने या जिन पे भी बिलीव करते हैं उन्होंने आप दोनों को मिलवाया था, उसके पीछे रीज़न क्या था, इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं इस रिश्ते से रिलेटेड. और बहुत सोचते भी हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं. एंड आई फील, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि या तो ये जब आपसे मिले थे तब थोड़े बहुत इनमेच्योर से थे, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ आपने देखा कि इनके अंदर काफ़ी बदलाव आए. जैसे कि आपसे जब मिले थे तो ये थोड़े से ऐसे थे, मतलब कोई भी चीज़ सीरियसली नहीं लेते थे, हंसी मजाक एंड ये सारी चीज़ें, लेकिन आपने देखा कि धीरे 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 करके इनमें चेंजेस आए आपके साथ ही रहते हुए, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते चले गए. या ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ी वैसे वैसे मैच्योरिटी आ गई, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं. ठीक है, सो आई थिंक आपने इनके मूड स्विंग्स, आपने इनका बिहेवियर चेंज होते देखा है, ऐसा मुझे नज़र आता है. मुझे ऐसा लगता है जैसे कि जो ये मैच्योरिटी इनके अंदर आई है वो आपसे मिलने के बाद में ही आई है इनके अंदर, ऐसा मुझे फील होता है. एंड कहीं से भी मुझे ये नहीं लगता कि आपका गलत चाहते हैं, आपका बुरा चाहते हैं, या फिर आप जो है परेशान रहे ये चाहते, ये चाहते कि आप खुश रहो अपनी लाइफ में. और इसीलिए शायद इन्होंने अभी से जो है कट ऑफ कर लिया. क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि अगर आगे वो चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी तो फिर वो आपको ज़्यादा तकलीफ देंगी. जो चीज़ें आगे कंटिन्यू रहेंगी ना, वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देंगी. हो सकता है कि प्रॉब्लम इनकी साइड से हो सकता है आप दोनों की साइड से प्रॉब्लम हो कि रिश्ता नहीं हो पा रहा है. क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, उसके चक्कर में इन्होंने वो डिसीज़न लिया ताकि आपको हर्ट ना हो. बिकॉज़ आई फील कि आपके पार्टनर फिर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन आप आई थिंक नहीं कर पाते हो. आपको बहुत बेचैनी रहती है, मतलब एक ये हो जाता है कि बात ना हो तो आप बहुत ज़्यादा लो फील करने लगते हो. तो आपके पार्टनर आई थिंक इस आदत को आपकी को जानते हैं, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप धीरे धीरे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाओ उस चीज़ में, ताकि अगर कभी अलग भी होना पड़े ना तो आप डिप्रेशन में ना जाओ, बल्कि आप संभल जाओ. सो कहीं ना कहीं या तो ये इस तरीके के ब्रेक्स ले लेकर के जो है आपके जो एक चीज़ है ना कि बहुत ज़्यादा इमोशंस जो हाई हो जाते हैं, वो या तो आप ये चाहते हैं कि अपन पे कंट्रोल पा लो, या फिर ये चाहते हैं कि आगे जाकर के, मतलब यही है कि आपको किसी भी तरीके से तकलीफ़ ना पहुँचे, या आप डिप्रेशन में ना जाओ, या आप एंजाइटी या फिर ज़्यादा टेंशन ना लो, या ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा यू नो परेशान ना हो. मीन्स कि इनका ये है कि आप लाइट ही फील करो इनके साथ जब भी रहो या जब भी बातें करो. तो ये चाहते हैं कि आप जो है ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट ना हो इनसे, क्योंकि पता नहीं है आगे का क्या होना है. तो इनकी कोशिश ये रहती है कि ये जो है इनका मन करता है आपके साथ रहने का, बट क्या है कि जब भी आपके साथ रहते तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इनसे कनेक्ट हो जाते हो, और फिर इनको डर लगता है कि आगे क्या होगा अगर मैं इसको नहीं निभा पाता, या फिर मैं नहीं कोई स्टैंड ले पाता तो फिर क्या होगा, यू नो.
फिर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, अरे वही चीज़ नहीं चाहते हैं। ओके, ये इनकी यहाँ पर मुझे जो ट्रू इंटेंशन है ना वो यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। लेट्स सी, मैं आपके लिए यहाँ से कुछ थोड़ी सी गाइडेंस लूँगी मूनोलॉजी के कार्ड से। लेट्स सी आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। कार्ड उल्टे नहीं सीधे हैं। अ पर्सनल इशू रिचेस रेजोल्यूशन। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि जस्ट वेट, जो पर्सनल इश्यूज है ना आपके बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, डोंट वरी, यू आर गुड इनफ, कम्युनिकेशन इज की, द आंसर यू नीड आर कमिंग। ओके, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। सो यहाँ पर ना आपको क्या कहा जा रहा है कि आपके जो भी इश्यूज है ना लाइफ के, डेफिनेटली बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि बहुत जल्दी जो है सल्यूशंस उनके निकलने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। यू नो, एक चीज़ है कि आई थिंक कि आपको ये लगता है कभी कभी कि मैं जो हूँ, मैंने कुछ गलती कर दी, या मेरे में कुछ कमी रह गई, या फिर मैंने कहीं कमी छोड़ दी, आपको ऐसा फील होता है कभी कभी। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि नहीं, आप बहुत अच्छे हो, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी और ना आप में कोई कमी है, आप बिल्कुल परफेक्ट हो। ठीक है, बट हालात ही जो है वो अभी आपके फेवर में नहीं थे तो इसलिए ऐसा हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कमी है। तो पहले तो खुद को किसी चीज़ के लिए दोष देना बंद करो, खुद को जो है रिस्पॉन्सिबल मानना बंद करो किसी चीज़ के लिए, वो ठीक नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि अगर जैसे मान लो कि आप बात कर सकते हो लेकिन आप कर नहीं रहे हो, बिकॉज़ वो आगे से कभी नहीं करते ये सोच करके, तो आपको यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप उनसे कोशिश करो बात करने की क्लियरली। ठीक है, क्लियर बात करनी, अगर आप बात करोगे तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। ओके, दूसरा मतलब कि आप तो बात करना चाहते हो लेकिन आपके पार्टनर ही नहीं बात करते, या फिर उन्होंने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कहीं बात करने का, हर जगह से ब्लॉक किया हुआ है। तो यहाँ पर ये है कि वो टाइम आपको मिलेगा जब आप जो है उनसे बात कर सकते हो, तो आप जो है कोशिश करिएगा बातचीत से मसला सुलझाने का। ठीक है, मतलब कि आप दोनों की बातचीत जो है ना उससे काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। सो मीन्स अगर मौका मिले और आगे से वो भी बात ना करे, लेकिन अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप बात कर लें उनसे कैसे भी करके। ठीक है, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो सकती हैं। एंड दूसरी चीज़, जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और जिन क्वेश्चंस की आंसर्स की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। एंड वो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कैसे मिलेंगे, किसी से बात करके मिलेंगे। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही आप हर किसी से अपनी स्टोरी सुनाओ, नहीं, मीन्स कि कोई बातों बातों में आपको उसका सल्यूशन दे देगा, आपके क्वेश्चन का आंसर कोई बातों बातों में दे देगा। तो कोई भी बात हो उसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, किसी से भी कहीं से भी आपको मिल सकता है आपके क्वेश्चन का आंसर, और बातों बातों में आपको मिल जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा हर किसी की बात को। ठीक है, हर किसी की बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा। अब जैसे रीडिंग है, बहुत लोग क्या करते हैं, स्किप कर करके देखते हैं, स्किप कर करके देखते हैं, राइट। अब स्किप करके देखने से क्या, कुछ चीज़ें छूटेंगी छूटेंगी, तो वहाँ पर क्या हुआ, ध्यान से नहीं सुनेंगे उस बात को। अगर आप जो है ध्यान से सुनोगे पूरी, तो शायद आपको जो है आंसर कहीं से भी मिल सकता है, मतलब किसी से भी बात करने में, किसी की इस रीडिंग से, किसी और रीडिंग से, या किसी और से बात करते टाइम भी। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान दें, इस बात पर ध्यान दें कि आप बात को ध्यान से सुनो। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।